अकेले क्या कुछ नहीं होगा दादी। हाँ हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठी हूँ और थोड़ा लेट हो गई, बारिश हो रहा था तो मैंने उठी नहीं, मैंने छोड़ दिया। अभी देखो मौसम मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का। वेट, अभी बारिश हुई थी, अभी बाहर जाती हूँ, तैयार होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर निकलती हूँ। और आज है सेकंड डे कसौल में, तो आज मैं ग्रहण जाने वाली हूँ, ग्रहण ट्रैक करने वाली हूँ। वैसे सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मैं सोकर ही उठी थी, मैंने देखा बारिश हो रही थी, मैं सोचा कुछ टाइम बाद जाऊँगी, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, तो मैं निकल गई हूँ। सो ये जो पार्वती रिवर है, मेरा हॉस्टल आपको पता है कि शलाल में है, सो इसके लॉन्ग साइड रिवर है पार्वती रिवर। यहाँ पे टेंट कैंप है, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। आपको ये छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं, ये तो ये छलाल में ही है, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ भी आ सकते हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ छलाल का रास्ता है ना, नजारे नजारे। हेलो, इधर से है ना ग्रहण का रास्ता, पक्का इधर से वो गोस्ट स्टॉप है। हाँ। सॉरी, ब्रेकफास्ट भी क्या हुआ कर लिया था मैंने। ओके तो ये मार्केट है, तो ये गोस्ट स्टॉप का बोर्ड लगा है, इस साइड से ही जाना है। ये एक छोटा सा ब्रिज है। When I fall asleep, yeah. आपका नाम क्या है? शिव की देवी। तो ये ग्रहण का पुल है जहाँ से मुझे क्रॉस करना है। अभी गाड़ी जाएगी, दादी ने कहा कि गाड़ी जाएगी। आप 700 दे देना ना, 100 की इतनी आपको हो जाएंगे। 800 क्यों? 800 लेते हैं मैडम। पर आंटी ने तो बोला 100। कर दो ना भैया। लोकल से मैडम, लोकल से है। 200 पर बोल रहे हो? ओके चलो सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू कर सकते। वैसे आप कहाँ से? बिहार। बिहार से? पटना से। मैं गया सोलो ट्रिप आई हूँ। हाँ अभी तो मैं ट्रैक करके ही जा रही थी, दादी मिल गई, ये जाएगा। हमारी मुलाकात हुई है एक प्यारी सी दादी और काजल एंड दिव्या से। ऐसा हो सकता है क्या हमारे शहर से हो और हम उनसे बात भी ना करें? तो दिव्या और काजल हमारे ही शहर बिहार से है। भैया इधर भालू रहते क्या? मैडम हाँ?
आते इधर नीचे आते हैं ऊपर आते हैं इसी रास्ते में। बारिश की वजह से थोड़ी इसकी हालत खराब हो गई रास्ते की। ले लो तुम दोनों ले लो, नहीं मेरे को मैं ये पकड़ूंगी मैं। आप सोच रहे होंगे कि दादी इनके साथ क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, दादी हमारे साथ ट्रैक पर नहीं, वो हमारे साथ अपने मायके जा रही है। हम उन्हें लेकर नहीं जा रहे, वो हम तीनों को लेकर जा रही है। वो व्यू देखो यहाँ से बस। और इस गांव में ड्रिंकिंग करना मना है, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार, और मैं पावर बैंक में लगा कर कैमरा से शूट कर रही हूँ। अकेले अकेले घूमते हैं, अकेले अकेले कुछ नहीं होगा दादी। हाँ पर हमें रास्ते में आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो रास्ता ऐसे ही कट जाता। पहुंचने वाले गांव पे। वाओ इतना प्यारा लग रहा है। सो अभी थोड़ी सी और ट्रैकिंग बची है, हम विलेज तक पहुंच जाएंगे। भैया ने बताया वहाँ एक वाटरफॉल भी है। ये जंगल पूरा ही घना है, ये देखो ऊपर फिर डेंस फॉरेस्ट है, भालू लेपर्ड सब मिल सकते हैं आपको। तो एक तीन बहनों वाला गांव है, आपको पता है कौन सा? तुलगा कालगा और एक कुलगा नाम है। आप गए हो वहाँ? खीर गंगा भी गए होगे? बंद क्यों? वो लगा ना पानी लगा लैंडस्लाइड। अच्छा वहाँ लैंडस्लाइड चल रही है। अभी कसौल में भी हुई थी ना, अभी तुमने जो मनी कर हाँ वहाँ पे पूरी वो कैंपिंग बह गई थी। अच्छा कौन यहाँ पे वो करते हैं ना नाटी कुछ आप करते हो ऐसे वाले हैं? सब कोई करेंगे हाँ ऊपर करें चलो। Thank you.